होने वाला है। और ये तालाब देखो कैसा दिख रहा है, और आगे तो कोई नहीं है, नहीं आगे नहीं पीछे, अकेला चल रहा हूँ इस रस्ते पे। दो दो नील गाय दिग्गी बिल्कुल सामने खेत में है, अगर इन अटैक कर दिया ना इतनी स्पीड में भागेगी ना भाई, पछाड़ देगी बिल्कुल एक लात में ही, खत्म मामला कर देगी। तेज आवाज से नील गाय भागती है। आरिया पार करना आज गाइस, पुडोन को पुडोन कैडी चीज कोड़े को देखते हैं कौन आएगा हमारे सामने। सो हेलो गाइस, कैसे आप सब, करता हूँ सारे बिल्कुल अच्छों के। सो गाइस ये बैठा सामने हमारे धोखेबाज, धोखेबाज है तू। धोखेबाज कैसे हो गया, प्रैंक करेंगे तो धोखेबाज हो गया ना? बिल्कुल नहीं है ही नहीं धोखेबाज, तू बिल्कुल धोखेबाज नहीं है। मैं गंदा डोवर लिंड बरोबर हो। सॉरी इस क्लिप को काट देना। नहीं हम जब प्रैंक करेंगे ना तेरी देखियो टट्टी निकल जाएगी। अच्छा। अरे पागल है गंजा, गंजा बराबर लीड बराबर। ए गंजे हमारी टीम में होगी हमारी बेस्ती के बारे, लीड बराबर बराबर। चल कोई नहीं भाई, तूने प्रैंक कर दिया उसकी तो कोई दिक्कत नहीं। बाकी मैं तुम्हें आज एक चैलेंज देने वाला हूँ, तुम्हें वो चैलेंज करना, बताओ कर लोगे? क्या चैलेंज? वही वाला चैलेंज जो आज तक तुमने किसी ने किया नहीं। ऐसा क्या चैलेंज दे रहा है? रेडी हो जानने के लिए? मैं तो पेटी बांध के बैठेगा, बता जल्दी। अभी मैं कॉपी पे लिखूंगा तीन जगहों के नाम, तुम तीनों को वहाँ पर अकेले अकेले जाना है, वीडियो शूट करनी है, वहाँ पे हाथ लगा के आना है। नंबर वन हॉन्टेड हाउस। अरे कितनी नील गाय है वहाँ, क्यूपिड वाला मैं नील गाय उसे मैं नहीं रहता बिल्कुल भी। सेकंड जगह है हॉन्टेड गुफा, थर्ड जगह है हॉन्टेड ट्री। वहाँ पे मैं नहीं जाऊंगा, इन दोनों में से किसी की आनी चाहिए हॉन्टेड ट्री, मेरा नहीं आना चाहिए बिल्कुल भी। क्यों? मुझे बहुत डर लगता है हॉन्टेड ट्री में। गाइस आप एक बार कमेंट करके बताओ मेरे निखिल और बबलू में कौन सबसे ज्यादा पट्टू है, और ये जरूर बताना कि बबलू को कौन कौन सबसे ज्यादा फट्टू मानता है। अभी कह रहा था मेरे अंदर एक्साइटमेंट है, निकल गई सारी एक्साइटमेंट। तीनों के तीनों आंख बंद कर लो। पीयूष मुंह घुमा, 1 2 3 लिखा हुआ है तो इसके पीछे मैं लिख देता हूँ तीनों जगह के नाम। पीयूष देख मत भाई, मेरे को तो देख रहा है। तो गाइस ये तीनों चीज लिख दी है मैंने यहाँ पर, तो भाई अपनी अपनी उंगली लगाओ। अरे यार क्या आएगा यार, एक्साइटमेंट बहुत ज्यादा हो रही है यार। बताने क्या है 3 नंबर? अभी पता नहीं चलेगा, घंटे बाद पता चलेगा। तुम पागल है, 1 घंटे बाद अभी दिखा। पाड़ो मत खोल रहा हूँ। गुफा सही है, अब डरने का भी कोई काम नहीं, जल्दी से भाग के जाऊंगा, भाग के हाथ लगा के आऊंगा। तो गाइस तीनों को अपनी अपनी हॉन्टेड जगह मिल चुकी है, तो भाई मजा आने वाला है। अब तीनों को एक एक फोन देते और इनको भेजते है। तो गाइस इसका हॉन्टेड हाउस सबसे ज्यादा दूर है, सबसे पहले तू गोली हो जा, भाग जा जा। ओ भाई साहब, भाई यहाँ पे तो लेक बनी हुई है, यहाँ पे कुछ छुपा भी होगा ना जानवर, तब भी नहीं दिखेगा वो। गाइस सच बताऊँ ना थोड़ा बहुत डर लग रहा है, पत्थर ले लिया, कोई आएगा ना जंगली जानवर तो पट देनी सी मार दूंगा। तो गाइस बबलू तो जा चुका, अब 5 मिनट बाद अप्पू डॉन जाएगा। जाऊँ फिर, 5 मिनट होने वाली है अभी, कहाँ होने वाली है, 2 मिनट सारी हुई है जूठा। अरे फिर मैं ऐसे जाऊँगा ना लंबे टूर से, नहीं लंबा रूट पकड़ो, अभी रुक जा, जा भाग जा, 5 मिनट हो गए, जा भागा क्यों, जरा आराम से जाना है, जल्दी जा भाग, अंधेरा नहीं हो जाएगा फिर, होने देना, क्या बात होगी, डरते थोड़ी ना हुए, जा बाय। ठीक है बाय बाय। चलो गाइस चलते हैं अपने ट्री पे, उठा के अपना डंडा, साथ में मैक्सू भी चल रहा है, चल मैक्सू ये मेरे साथ जाएगा। वो एक चीज हो रहा है आगे, चलो बताता हूँ आपको मैंने क्या सीन करा है, ये लाइट नहीं दे रहे थे पर मैं लाइट उठा लाया कैसे ना कैसे करके, मैंने जंगल की जो मेन एंट्री है ना वहाँ से रास्ता लिया ही नहीं, रूट लिया ही नहीं, क्योंकि मेरे को पता था 101% वहाँ पानी भरा होगा। अब मेरे को ऐसा लग रहा है लगा के पेड़ के हाथ और सीधा भागम भागाना पड़ेगा। देखना गाइस यहाँ भी कीचड़ है, यहाँ से ना बहुत गंदी बदबू आ रही है, मैंने एक बार पैर रख के देखा बहुत गंदी बदबू, तो यहाँ से बिल्कुल नहीं जाना, मैं लंबे रूट से चलूंगा, देखी जाएगी जो होगा, क्योंकि हमारे साथ राम जी है। राम, अरे रुक जा ना, अरे रुक जा, हमारे साथ राम जी है। चल भाई अब तो 5 मिनट उसको भी होगी, जाए उसको तो ही भाग जा, जा रहा हूँ। मेरी तो कोई ये नहीं है ना कि जाना वहाँ रुक के रात को जाना। गाइस मन तो ऐसा कर रहा है इस ड्रोन के ना पत्थर मारू भगा के, क्योंकि ये जासूस है हमारा, मेरा और पीयूष का प्लान था कि मैं पीयूष को गुफा तक छोड़ दूंगा साथ में। ये देखो साथ साथ चल रहा, अभी भी पीछा करता रहेगा ये, कहीं ये मिल ना जाए। अरे मेरी टैट में मारेगा क्या। चलो गाइस चलते हैं गुफा भी। सो गाइस मैक्सू भी जब से ड्रोन के साथ में खेलने लग रहा है, जहाँ भी मैं ड्रोन को भेज रहा हूँ ना वहीं पे जा रहा है ये, जैसे घर में पंगा होता है वैसे हवा आ रही है इसकी, ड्रोन के ऊपर ही इसका फोकस। गाइस काफी देर हो चुकी है मैक्सू को ड्रोन के साथ खेलते खेलते, अब मैक्सू को अंदर करते हैं और फिर उनको देखते भाई वे क्या सीन कर रहे हैं। तो देख लो गाइस ड्रोन से हमारे ऊपर नजर रखी जा रही है, पूरी सिक्योरिटी कर रहे हैं विक्की भैया। चलो 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 देखी जाएगी जो होगा देखी जाएगी। आरिया पार करना आज गाइस पुडोन को, पुडोन कैडी चीज कोड़े को। ओहो कितनी सारी चींटियां, अभी इनके ऊपर पैर रख देता हूं गाइस, सॉरी सॉरी सॉरी, रखा नहीं पर पेड़ की झलक दिख जाने यहाँ से कि पेड़ कितनी दूर है, तो मैं सीधा पेड़ पे पहुंच जाऊंगा, क्योंकि देखना गाइस ये जो झाड़ियां है ना ये वाली झाड़ियां सारी ये रात को बहुत डराने वाली है। गाइस गलत रास्ते पे आ गया मैं शायद से,
वैसे पुटोन की आवाज आई मेरे को, वो चिल्ला के बोल रहा था पुटोन की चीज को ले कम, यहाँ तक आवाज गूंजी उसकी, मतलब वो आसपास ही है मेरे थोड़ा बहुत। रात का टाइम होता ना तो मेरे से बिल्कुल भी नहीं जाया जाता गुफा पे, क्योंकि रात को गाइस इतनी बड़ी बड़ी झाड़ियां हो रखी है ना, उसके पीछे कोई जानवर सांप वगैरह कोई भी कुछ भी होगा ना कुछ भी नहीं दिखेगा। गाइस रास्ता भटक चुका हूं, मेरे को ये नहीं पता कहां जाना है, मैंने वहां पे जाके भी देख लिया पर वहां कुछ भी नहीं है, गुफाएं नहीं, वहां से दिख ही नहीं रहा कुछ भी। यार रास्ता कहाँ है, मेरे को लग रहा है गाइस अगर रास्ता नहीं मिला ना तो अंधेरा हो जाएगा और मैं हार जाऊंगा, हाथ नहीं लगा पाऊंगा, अगर अंधेरा होगा तो मैं बिल्कुल भी नहीं जाऊंगा गुफा पे। नील गाय भाग के आई है, ड्रोन से देखा है विक्की भैया ने और फोन करके बता दिया, तो वैसे मुझे अब संभल के रहना पड़ेगा थोड़ा। एक बार पेड़ के हाथ लगा दिया ना गाइस, उसके पास तो इतनी तेज भागया हूँ, इतनी तेज भागया हूँ ना कोई सोच भी नहीं सकता कि पुडोन इतनी तेज भाग कैसे सकता है। निकल की आवाज आ रही है, उससे पहले मैं सोच रहा हूँ एक बार है ना बस पेड़ तक पहुंच जाऊं कैसे ना कैसे करके। गज नील गाय, दो दो नील गाय दिखी बिल्कुल सामने खेत में है गाइस, अगर इन अटैक कर दिया ना इतनी स्पीड में भागेगी ना भाई पछाड़ देगी बिल्कुल, एक लात में ही खत्म मामला कर देगी, इनको भगाना पड़ेगा, आवाज माननी पड़ेगी। यहाँ से एक डंडा उठा लेता हूँ छोटा मोटा ही, पर उनको लगेगा क्योंकि मेरे हाथ में हथियार है। वो भागी गाइस, पीछे पड़ जाती ना माई कसम गाइस, बिल्कुल बुरा हाल कर देती है नील गाय। और गाइस वो रही सामने गुफा, यहाँ से निकल के जाऊंगा गुफा पे हाथ लगा के जल्दी भाग के आऊंगा, वो वाले कोने पे थी वहां से रास्ता ब्लॉक है, तो गाइस वो मेरे को लग रहा है नील गाइस खेत में से जाके गुफा की साइड ही गई है। और गाइस मेरे को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा, मतलब डर लग रहा है यार मेरे को नील गाय से, जंगली जानवर है यार क्या पता उनका कब अटैक कर दे, कोई नहीं गाइस मैं तो चलता हूँ गुफा पे। तो गाइस हॉन्टेड हाउस को हाथ लगा के चलते हैं, ये छू दिया बिल्कुल। अब आ गया पुडोन वाली फोम में, अब मैं जाऊंगा सीधा भागते हुए क्योंकि मैंने देख ली नहीं लगाए, हम मेरा जो डर का लेवल था ना वो हो चुका है 100 से ऊपर, तो मैं पहुंच चुका हूँ कुएं के पास, अब नहीं देखूंगा मैं, कोई नहीं लगाए भी लगाए, झाड़ियों में से मैं निकल आया हूँ, झाड़ियों में से मैं जाऊंगा नहीं, डर लग रहा है क्योंकि अकेला हूँ, देखी जाएगी जो होगा। जय श्री राम, आवाज मार देता हूँ तेज 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 आवाज से नील गाय भागती है। तो गाइस झाड़िया देखो मेरी हाइट इतनी है और मेरे से भी ऊपर कुछ भी नहीं दिखेगा गाइस, नील गाय होगी तो भी, ये देखो गाइस झाड़ियों से बिल्कुल ब्लॉक हो रखा है गुफा, हाथ लगाता हूँ और भागता हूँ, ये देख ले भाई विक्की हाथ लगा दिया गुफा के, ये रे गुफा बाय बाय भाग। आया गाइस गुफा के हाथ लगा दिया फाइनली, ऑफिस पे ही जाऊंगा सीधा। सो गाइस वहां देखो आग लगी हुई है, ये मेरे को लग रहा है जंगल की एंट्री है ये, जल्दी जाके देखता हूँ किस चीज की आग है, विक्की को तो पता चल गया होगा वैसे ड्रोन उठा रहा था, वो आग लगी हुई है, भाग के आया मैं बिल्कुल, मेरे को लग रहा है बहुत ज्यादा डर नहीं लगा इसे, वो गुफा के पास गया ना गाइस मैंने नहीं देखा, वीडियो बन रही है बंद है वीडियो ऑन है, मैं बस भाग के गया और भाग के आया हूँ। थोड़ी दूर है पेड़, एक बार हाथ लग जाए बस, उसके पास झाड़िया देखो कितनी बड़ी बड़ी हो रखी है गाइस, पेड़ के पास पहुंच चुका हूँ, इन झाड़ियों में कुछ भी मिल सकता है, अगर कहीं से रास्ता मिला तो मैं 100% एक बार तो हाथ लगाऊंगा पेड़ के, देखता हूँ कहीं से रास्ता मिल जाए भगवान, क्योंकि गाइस वो रोएंगे अगर मैंने हाथ नहीं लगाया तो, देख रहा है यहाँ से रास्ता नहीं है तो मैं इसको हाथ लगा देता हूँ, ये लगा दिया मैंने हाथ, पेड़ के बिल्कुल पास हूँ भाई देख लो, पेड़ तक देख लो मैं पहुंच गया था आपके सामने, कोई मैंने कुछ गलती नहीं की, अंधेरा होने वाला है और ये तालाब देखो कैसा दिख रहा है, और आगे तक कोई नहीं है, नहीं आगे नहीं पीछे, अकेला चल रहा हूँ इस रास्ते में, बबलू का भी नहीं पता चल रहा है मेरे को क्या पूछा है कहानी, हेलो 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 हेलो, कोई रिस्पॉन्स नहीं, जो मैं बबलू से कॉन्टेक्ट कर पा रहा था वो कॉन्टेक्ट भी नहीं हो रहा है मेरा, अब सीधा मेरे को ऑफिस में पहुंचना कैसे भी ना कैसे करके, यहाँ से भी गाइस संभल के जाना पड़ेगा बिल्कुल आराम आराम से, भाग भी नहीं सकता पीछे क्या था, ये देखो गाइस यहाँ पे आग लगाई हुई थी। सो गाइस फाइनली ऑफिस पे आ चुका हूँ मैं बच के सही सलामत, तो चलो गाइस अंदर चलते हैं। विक्की कोई भी नहीं ऑफिस पे, पता नहीं कहाँ चला गया, सच बताऊँ ना इतना डर लगा ना मेरे को वहां जाके नील गाय से, और किसी चीज से डर नहीं था, और इतनी लंबी लंबी झाड़िया झाड़ियों के बीच में से भाग के आऊं, मेरे को पता है उस कैसे भाग के आऊं, नहीं डरता पुडोन, नहीं डरता पुडोन, किसी से नहीं डरता। तो गाइस कुएं के पास पहुंचने वाला हूं, कुएं आ रहा हूं मैं, पुडोन कड़ी चीज आ रहा है, डर सिर्फ जंगली जानवर का भगवान के संग। तो गाइस मैं तो कहीं चला गया था, कुछ वारदात तो रखी थी, कोई केस था वो सोल्व करके आया हूं। तू कितनी देर पहले आया? मैं तो जब आया था जब तू केस सोल्व करने गया हुआ था। और पुडोन कहां है? वो अंदर चला आया, वो थक गया पुडोन। कोई दिक्कत हुई? ओ दिक्कत है, दो नहीं लगाए बिल्कुल सामने खेत में, जिस खेत में मैं था ना उसी में नहीं लगाए। सही में? और क्या, मैं मखा कभी पीछे ना लग जाए, आवाज मारी डंडा उठाया इतने में भाग ली। चल अंदर चलते हैं। हाँ भाई कैसा? तो
भाई मस्त हूँ, पर तूने मेरे को एक चीज बहुत गलत दे दी, उससे मैं बहुत ज्यादा डर गया जिसको कहते हैं क्या पावर ऑन 3 उसकी बैटरी लो थी, वो बार बार पावर ऑन 3 कर रहा। मैं जैसे सुनसान रस्तों से निकल रहा ना और जैसे कुछ भी झाड़ियों में से आवाज आ रही, जब पावर ऑन 3 मैं क्या बच गया एकदम। गाइस अपने आप थोड़ी होगा, ये कर रहा होगा जब भी, तो होगा ना वो जेब में रखा हो रहा था, वो जेब में मैं क्या करूंगा, चल हाथ में रखू तो एक बार भी चल बटन के हाथ लग जाए, पर जेब में रखा बोल रहा पावर ऑन 3। तू क्यों मुंडा मुंह बना रहा निखिल? अरे इसको फोन दिया था वीडियो बनाने के लिए, ये देख। ओ भाई साहब नो क्लिप बना के लाया, ये चक्कर में गया था पाकिस्तान गया था, जलवा आया हमारा। क्लिप भी पता कितनी सेकंड की, 1 सेकंड की, 2 सेकंड की, 3 सेकंड की, 4 सेकंड की, 5 सेकंड की, 1 मिनट की एक भी क्लिप नहीं है। आज सिस्टम हैंग होने वाला विक्की तेरे एडिटिंग में, साठ के हैंग हो जाएगा तू पूरा। हैंग हो जाएगा फोन, हैंग होएगा भाई फोन, हैंग नहीं होने वाला, इससे ऊपर कोई फोन ही नहीं है इंडिया में, क्या वर्ल्ड में ही नहीं है, इससे ऊपर कोई फोन हो तो बताना पुडोन ले लेगा, क्या बात होगी। पर एक चीज और, सिस्टम से एक चीज और याद आ रही है मेरे को, बिग बॉस। तो निखिल से पूछ पहले, किसको वोट कर रहा हो, किसको वोट कर रहा है रे बिग मंगिया? रहना तो सिस्टम के नीचे रहना पड़ेगा, एलिविश यादव को वोट करेंगे भाई हम। अब फिनाले हुआ था ना घर में, जितने फोन थे चौची के चौचा के भाई के सबके फोन ले गए, एलिविश यादव को वोट है, मल्टीपल वोट तो होते नहीं, तो पता नहीं कितने कर देता हूँ बैठा बैठा। तो भाई मैं सबसे अलग चलता हूँ भाई, मनीषा रानी को करूंगा। तू किसको करेगा? मैं भी अरे वो एल्विस हमको तुम करो को ना। अरे ढूंढो ना, होता है रोको ना नहीं। ओ भाई ओ देख दे दे पैर कैसे हटा रहा भाई, ओ देख यो खेल लगा गाइस, गुस्सा हो रहा है, नीचे उतार दे इसको, काट ले। तो चलो गाइस वीडियो कर रहे हैं पर एंड कमेंट में बता रहा हूं वीडियो कैसे लगे, आपको वीडियो पसंद आता तो वीडियो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और गाइस कुछ ऐसा मजेदार सा चैलेंज बताओ कि गाइस हम भी करें जिसमें मैं भी चैलेंज कर सकूं। तो चलो गाइस बाय बाय, टेक केयर।